जो भी यहां बच्चे रहते हैं तो सुबह कम से कम 5 मिनट तेजी से दौड़ा करो। इतना तेजी से दौड़ना चाहिए बच्चों को कि 5 मिनट के अंदर पूरा पसीना आने लगता है। 5 मिनट में क्या आने लगता है? पूरे शरीर में पसीना। 5 मिनट बच्चों को तेज दौड़ना चाहिए। 5 मिनट बच्चों को तेज सूर्य नमस्कार करना चाहिए, तेजी से। 5 5 मिनट प्राणायाम तेजी से करने चाहिए। जो बच्चे ऐसा कर लेंगे और ऐसा अपना स्वभाव बना लेंगे, उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और जिनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, उनको कोरोना से लेकर के कोई रोग नहीं होता है। तो आइए शुरू करें योग में। मैंने कहा बच्चों को कम से कम तेजी से कितनी देर दौड़ना चाहिए, एग्जाम हो तो भी कितनी देर? कम से कम आपको एग्जाम के समय कितना घंटे पढ़ना पड़ता है? कम से कम एग्जाम देने के कितना समय होता है जी? एग्जाम देने के लिए आजकल कितना समय मिलता है? 3 घंटे। 3 घंटे एग्जाम देने के लिए निकाल दीजिए, और 2 3 मिनट टॉयलेट के लिए निकाल दीजिए, 5 7 मिनट दिन भर में कभी कभी यूरिन के लिए जाना पड़ता है उसके लिए निकाल दिए, तो आपका आधा घंटा इसके लिए निकल गया। और बहुत थोड़ा खाते हैं बच्चे उन दिनों, क्योंकि ज़्यादा खाएंगे नींद आएगी, तो आधा घंटा खाने के लिए निकाल दीजिए। तो और 4 घंटे से ज़्यादा सोते नहीं हैं, तो 24 में से 4 गए कितने बचे? 20। 20 में से 3 घंटे एग्जाम के निकाल दिए कितने बचे? 17 में से 1 घंटा आपकी ये जो है दिनचर्या का निकाल दीजिए, कितना बचा? 16। 16 घंटे आप पढ़ने की चेष्टा करते, लेकिन 16 घंटे पढ़ कौन पाएगा? जिसकी बॉडी हेल्दी होगी, जिसको न सर्दी न जुकाम न कफ न एलर्जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, न डायरिया और ना फटीग, ना कोई थकान, न शरीर थके ना दिमाग थके, और ना कोई दिमाग में खुरापात इधर उधर की बातें आए, तो वही कर पाएगा जो कम से कम एग्जाम के टाइम भी आधा घंटा, कितना? एग्जाम के टाइम पर भी कम से कम आधा घंटा योग करेगा। उसमें 5 मिनट दौड़ लो, 5 मिनट सूर्य नमस्कार कर लो, फिर आपको मैं 3 से 5 5 मिनट भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम ये करवाऊंगा तेजी से। आज एग्जाम वाला योग चल रहा है समझ लो। तो अभी सब खड़े हो जाओ, तो 5 मिनट तेजी से सूर्य नमस्कार करना है, विराम नहीं, ठीक है? अपने अपनी जगह बना लेंगे ठीक से, लंबे लंबे श्वासों के साथ, पहले मध्यम गति से फिर तीव्र गति से। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए, भगवान के यंत्र बनना है। फिर ये पूरी अपनी इम्यूनिटी प्रतिरक्षा तंत्र रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। पीछे झुकते समय श्वास अंदर, आगे झुकते समय श्वास बाहर, ऐसे करना है। फिर दाहिने पैर पर बैठेंगे, मेरे साथ साथ करेंगे, मुझे फॉलो करेंगे, लंबे लंबे श्वासों के साथ। 12 अभ्यास है सबको पता है। पीछे झुकते समय श्वास अंदर, आगे झुकते समय श्वास बाहर। पहले दाएं फिर बाएं, लंबे लंबे श्वास। आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए। राही परम पथ के एक श्वास एक अभ्यास बने
राही परम पथ के तुम्हारे अंश बन जाए प्रभु आशीष दो हम करो साथ पांच बार नहीं पांच मिनट करना है लंबे लंबे श्वास न हो वे हम कभी विचलित सदा प्रेरित तुम्ही से हो न हो वे हम कभी विचलित सदा प्रेरित तुम्ही से हो सदा प्रेरित तुम्ही से हो सभी सद्भाव संवाहक ऋषि के अंश बन जाए सभी सद्भाव संवाहक ऋषि के वंश बन जाए प्रभु आशीष दो जो करो उसमें अपना कुछ भी बचा के नहीं रखना अब सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो पूरी ताकत किसी में लगानी है सूर्य नमस्कार